आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं आपके साथ हुमैरा राणा। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वेद। वेद सर डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इंट्रोडक्शन, वो हमेशा से एक काबिल और कामयाब ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी में कई कैपेसिटी में अपनी ड्यूटी निभाई है। वेलकम सर। सर जो एकदम से ये टेररिस्ट अटैक जो बढ़ने लग गए हैं, तो इस पे इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये हो रहा है पाकिस्तान से कि कश्मीर में जो हालात बेहतर होने लगे जी 317 हटने के बाद और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, तो पाकिस्तान को लगा कि जम्मू रीजन को फोकस किया जाए क्योंकि यहाँ 15 साल से हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, तो यहाँ फोर्सेस विड्रॉ की गई, यहाँ इतनी जो पैरामिलिट्री की या आरआर यूनिट्स थे उन जो काफ़ी एरियाज खाली थे जी। और जो आप पुलिस की एसओजीज थी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या बीडीसी, वो भी डिसफंक्शनल सी हो गई जी। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जम्मू रीजन को फोकस किया। जम्मू रीजन के और भी एडवांटेज हैं, कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ प्लेन एरिया है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर गांव कनेक्टेड है बाय रोड। जम्मू रीजन चूँकि हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, पीर पंचाल का इलाका है, चाहे वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, रजौरी पुंछ हो या मोहर तहसील हो, ये सारा हिली एरिया है, छुपने की काफ़ी जगह। तो जम्मू एरिया में कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं, पहाड़ी इलाका है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, और यहाँ ये सारे जो एरियाज़ हैं फोर्सेस की बहुत कम स्ट्रेंथ है, उस सब का फ़ायदा लेते हुए इन्होंने जम्मू को फोकस किया। और इसका इनका और भी मकसद है, ये चाहते हैं कि जो प्रेशर कश्मीर में फोर्सेस का है उसको ईज़ किया जाए, जो आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी की चाइना के साथ लद्दाख में, उसका प्रेशर ईज़ किया जाए। तो इसमें चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हैं और वो चाहते हैं कि फोर्सेस की रीडिप्लॉयमेंट जम्मू रीजन में हो और विड्रॉल हो लद्दाख से और कश्मीर से जी। इस नीयत से ये अटैक जम्मू को पिछले 1.5-2 सालों से कर रहे हैं, और इन्होंने पहले रजौरी पुंछ से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जो टेरर की आर्क है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की है। आपने देखा जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे नई थर्ड टर्म के लिए, तो उस वक्त इन्होंने अटैक किया रियासी में जी। जो शिवकोड़ी से यात्री आ रहे थे उनकी बस पर। इसी तरह आपने देखा कठुआ में हमला हुआ, डोडा में हुआ, उधमपुर के बसंतगढ़ में हुआ, अब 2 दिन पहले बिलावर तहसील कठुआ में हुआ। तो ये सारे अटैक जो है ये पूरे जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, यहाँ टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश है। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये लोकल नहीं है जी। ये ज़्यादा आर्म फोर्सेस पर अटैक हैं, तो ये क्या सिग्नल देता है? ये आर्म फोर्सेस पर अटैक रजौरी पुंछ में बहुत हुए जी, और एक फिगर के मुताबिक आई थिंक 42 से 43 आर्मी पर्सनल हैव लॉस्ट देयर लाइफ जी। तो ज़्यादातर अटैक आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, वो बेसिकली ये सारे जंगल वारफेयर में ट्रेंड हैं जी। इसमें पीछे जो नए आर्मी चीफ हैं, जब नार्दर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने कहा इसमें हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स भी हैं, तो ये सारे जंगल वारफेयर में ट्रेंड हैं और आधुनिक हथियारों से इक्विप्ड हैं ये जी। तो ये चाहते हैं कि फौज को डिमोरलाइज किया जाए, फौज को बैकफुट में लाया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को बैकफुट में लाया, इसलिए ठीक है। ये ज़्यादा जो अटैक हो रहे हैं साउथ पीर पंजाल यानी जम्मू रीजन, तो इसका क्या कारण है?
इसका कारण यही है कि ये टेरेन इनको सूट करती है, जंगल में छुपने की काफ़ी जगहें हैं, गुफाएं हैं, थिक जंगल है, उसमें फोर्सेस को ऑपरेट करने में दिक्कत है आती है, तो उस वजह से ये जम्मू रीजन को टारगेट कर रहे हैं, जिसका मैंने पहले भी जी। तो सर हाल ही में जो कुलगाम में अटैक हुआ, जो 6 टेररिस्ट थे वो मर गए, उसमें से जो 2 बताए गए हैं वो लोकल बताए गए हैं, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? कश्मीर में लोकल टेररिज्म है जी, वहाँ फॉरेनर भी हैं और लोकल टेररिस्ट भी, कुछ लड़के, हालांकि नंबर्स बहुत कम हुए हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं जो टेररिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू रीजन में लोकल टेररिस्ट नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ के लड़के थे जो पार गए थे और बहुत सालों से वहीं सेटल हो गए, वो अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके, उनको पाकिस्तान की डीप स्टेट इस्तेमाल करती है, उनसे लोकल नेटवर्क यहाँ जो फॉरेन टेररिस्ट ऑपरेट करें उनकी मदद के लिए वो लोकल टेररिस्ट नेटवर्क उनका बनाते हैं जी। तो सर ये कठुआ अटैक हो गया, हम डोडा अटैक, रियासी अटैक, गंडो और मचेड़ी, मंजाकोट, ये सारे अटैक जो हैं, क्या ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड जो टेररिस्ट हैं उनका काम है? बिल्कुल है, जो जैसे मैंने कहा यहाँ लोकल टेररिस्ट नहीं है, सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं और ये इन्फिल्ट्रेट हुए हैं। कठुआ में जो हीरानगर में मारे गए थे 2-1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही इन्फिल्ट्रेट हुए थे। जो डोडा में अटैक करने वाले थे वो कोई 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले यहाँ से एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप क्रॉस किया था इंटरनेशनल बॉर्डर से मोस्ट प्रोबेबली, और वही ग्रुप अगर आप देखें उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में उसका क्लैश हुआ VDC से, जिसमें एक VDC वाला शहीद हुआ, और वही ग्रुप आगे जाके 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप जो गंडोब में गया था और बाद में उसने पुलिस पिकेट पर अटैक किया और कुछ दिन पहले वो मारा गया, सारे न्यूट्रलाइज, तीनों फॉरेन टेररिस्ट थे, न्यूट्रलाइज हो गए। दूसरा ग्रुप भद्रवाह के इलाके सरथल की तरफ गया था और उसने आर्मी और पुलिस पिकट पर अटैक किया था, जिसमें 3-4 आर्मी वाले और 1-2 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। वही ग्रुप मुझे लगता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी मशेडी में बिलावर के ऊपर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये कल परसों वाला हमला किया। इसी तरह रिपोर्ट है कल डोडा में एक और जगह एनकाउंटर चला था, वो भी लगता है वो तीसरा ग्रुप है। तो इस तरह से ये जो लोग इन्फिल्ट्रेट किए हैं इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी। तो सर सिक्योरिटी के हवाले से अगर इस सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले मैं समझता हूँ आर्मी जो LOC एरिया को गार्ड करती है और BSF जो IB सेक्टर को गार्ड करती है, उनको देखना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है, चाहे वो टनल बनाकर निकल रहे हैं, फेंस काट के निकल रहे हैं, या ड्रोन से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, उनको और क्या क्या कदम लेने चाहिए ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को सब मजबूत रॉबस्ट बनाया जाए। दूसरा, जो लोग यहाँ अंदर इनकी मदद कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई पुलिस को करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो टेररिस्ट रजौरी पुंछ में या डोडा में और कठुआ में ऑपरेट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना चाहिए और लोगों की इसमें मदद लेनी चाहिए। जी सर, लास्ट में आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी, आप वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट में से माने जाते हैं, तो सर क्या ऐसी सिचुएशन, ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन में क्या असेंबली इलेक्शन होने पॉसिबल है? हाँ, इलेक्शंस पहले भी हुए हैं, हमने 96 में इलेक्शन करवाई, 97 में इलेक्शन करवाई, 2002 में करवाई, उस वक्त हालात इससे भी बदतर थे। तो इलेक्शन पाकिस्तान नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। मैंने एक वीडियो जो पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आई थी टेररिस्टों को जब मैं DGP था वो इंटरसेप्ट किया था और उसको मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिखाया भी जी। कि किस तरह से पाकिस्तान की डीप स्टेट उनको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि इलेक्शन को किसी भी कीमत में रोकना है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ इलेक्शन हो,
लोगों को ब्यूरोक्रेसी के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, लोगों के मसले होते हैं, उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है, उनके छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जिनको वो हल कर सकते हैं जी। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन ज़रूर करवानी चाहिए। हाँ, स्टेटहुड को थोड़ा डिले किया जा सकता है जब तक हालात बिल्कुल काबू में कंट्रोल में नहीं आ जाते, क्योंकि उससे क्या है कि J&K पुलिस थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के होने की वजह से होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहेगी। तो ऑलरेडी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा, लेकिन इलेक्शंस करवानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।